नमस्कार। इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा कि संविधान बचाने के लिए केवल समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ताकत में आने पर उनकी पार्टी जातीय जनगणना कराकर सभी जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से हक और सम्मान दिलाएगी। साथ ही कहा कि देश में संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष जोखिम उठा रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग आज संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। संविधान देने वाले और जीने का अधिकार दिलाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यह दिन हमें बताता है, अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, तो हम वोट से सरकारों से अपना अधिकार ले सकते हैं। भाजपा सरकार में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार में शामिल है। राज्य में भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया है। पूरे राज्य में जमीनों की हेराफेरी में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग शामिल हैं। पिछड़ों दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा। भाजपा पीडीए का हक छीन रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए ही बीजेपी के एनडीए को हराएगा। संविधान दिवस जो हमें बताता है कि अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारे देश में संविधान बचा रहेगा, तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। इसलिए बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। वीडियो देखा मैंने, वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूँ, परिवार के बीच का समझो, मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। क्या उस माँ बेटी को न्याय मिल गया? पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा, कानपुर के देहात के लोगों ने, कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पूछे ये बताओ, नौकरियों में पीडीए वाले कहाँ हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है, ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।